हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ सिवाना कलर शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर का, और ये हाइलाइटर किस तरह का है, तो ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। तो इसकी आउटर पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है, और ये एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है, तो आप देख सकते हैं। और ये एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था, बट अभी मैंने पता नहीं कहाँ वो गुम कर दी है, क्योंकि मैंने संभाल के तो रखी हुई थी। आउटर पैकेजिंग जो इसकी थी वो पता नहीं अभी कहाँ गुम हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। और जब हम इसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में से निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं पैकेजिंग में आता है। ये प्लास्टिक कंटेनर में आता है और काफी खूबसूरत से शेड्स हैं इसमें, और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। ये मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया था। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें एक खूबसूरत से शेड है, और सबसे अच्छी बात यह है इसकी आउटर पैकेजिंग में कि आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मिलती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में भी है, तो आप इसमें से भी शेड्स का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से शेड हैं। ये देखिए, और इसे ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको टोटल 5 शेड्स मिल जाते हैं, और 7 ग्राम का आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है, तो इसमें टोटल 5 शेड्स हैं। ये देखिए, और इसमें सिल्वर शेड है, कुछ हाइलाइटर शेड्स हैं, कुछ गोल्डन शेड है, और ब्राउन शेड भी है इसमें, और कुछ ब्लश शेड है। और अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन से हाइलाइटर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादातर हमें सिल्वर कलर का ही हाइलाइटर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका फेस जो है काफी डिफाइंड लगता है, और ज्यादातर इस तरीके के शेड ही हमें हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं ब्राउन शेड है, तो इस तरीके की हमें हाइलाइटर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस तरीके के शेड हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे आपका फेस थोड़ा डार्क भी दिखता है, और ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा दिखता है आपका फेस, ब्रॉन्जिंग बहुत ज्यादा दिखती है आपके फेस पर। तो इस तरीके के शेड आपको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और ब्लश, ये आप देख सकते हैं ब्लश शेड जो इसमें है, इस तरीके के शेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फेस पर आपको इस हाइलाइटर को इस्तेमाल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें हाइलाइटर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं चिक बोन्स जिसे बोलते हैं, तो हमें हाइलाइटर का इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे फेस पर लाइट पड़ती है बहुत ही ज्यादा हमारा फेस ग्लोई और ड्यू लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अपने फेस पर आपको इस्तेमाल कर दिखाती हूँ। तो ज्यादातर हम हाइलाइटर जो है इस तरीके के ब्रश से लगाते हैं, वैसे एक फैन ब्रश भी आता है, उसकी हेल्प से भी आप अपने हाइलाइटर को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक ये ब्लेंडिंग ब्रश है और कुछ इस तरीके का ब्रश है, और ये फ्लफी ब्रश है काफी, तो इसकी हेल्प से भी आप हाइलाइटर को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिल्वर कलर का शेड लेकर आपको लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफी अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी, और मैं इसे अपने फोरहेड पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ आईब्रोज के ऊपर, और अगर आपने कोई आई मेकअप किया हुआ है जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो आप अपने आईज के इनर कॉर्नर में और ब्रो बोन पर भी आप इसे लगा सकते हैं, काफी अच्छा हाइलाइटर है। तो चलिए मैं इसे लगाकर दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हाइलाइटर लगाने से भी आपकी जो आईज है काफी ओपन अप दिखती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है हाइलाइटर। और ब्रो बन पर भी आप लगा सकते हैं, सिर्फ हल्का सा लगाना है आपने। इससे जो आपकी आई शेडो का जो कलर है वो काफी पॉपअप होता है और काफी उभर कर आता है, तो इस तरीके से भी आप हाइलाइटर को लगा सकते हैं। अब मैं अपने नोज पर भी अप्लाई कर लेती हूँ इसी सिल्वर शेड को। फ्रेंड्स, ये हाइलाइटर मुझे काफी अच्छा लगा, वेडिंग पर्पस के लिए और पार्टी या फंक्शन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, वो भी कम बजट में आपको मिल जाता है, और पिगमेंटेशन भी काफी अच्छी है इसकी, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज, ये बिल्कुल फ्री है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और गाइज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।